हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है पोस्टर कलर से रिलेटेड, और पोस्टर कलर आपको पता है कि बहुत टाइम तक रखे नहीं तो वो ड्राई हो जाते हैं। ये मेरे पास बहुत टाइम से रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इनको मेरे पास, और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। इनको दोबारा रीयूज़ करने का तरीका मैं सोच रही हूँ आज आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं इसे दोबारा से ज़रा सेट कर रही थी तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो ये देखिए, आप बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अगर आपके पास भी पोस्टर कलर्स हैं और वो ड्राई हो गए हैं तो आप उसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, आप उसे बिल्कुल भी फेंके मत। ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हुए हैं। करना हमें क्या है इसके लिए कि हमें लेना है वॉर्म वाटर, और वॉर्म वाटर के साथ हमें थोड़ी सी बिल्कुल चाहिए ग्लू, बिल्कुल थोड़ी सी ग्लू चाहिए। ये देखिए, ये मैंने वॉर्म वाटर ले लिया था। इसमें मैंने बिल्कुल ये जो चमचा है तो काफ़ी बड़ा, जितना ये पानी है उससे बिल्कुल थोड़ी सी आपने ग्लू लेनी है, और ये हमने इसको डाला, जितना ये कलर होगा उतना ही आपने इसके अंदर पानी इसमें ऐड करना है, बिल्कुल फुल मत भरिएगा। बस ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरी वाली बॉटल में भी इसको ऐड कर देंगे, और जितना है ये उसको उतना ही रखेंगे, फुल मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम इसको ये बंद करके इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए, हम इसे सनलाइट में रखेंगे बाहर धूप में। देखिए, ये रही विंडो सिल, और आप ये देखें मैंने यहाँ पे कितने सारे कलर्स हैं, जितने सारे पोस्टर कलर्स हैं जिनको मैंने दोबारा रीयूज़ करने के लिए निकाला, और इन सब में वही वॉर्म वाटर विथ ग्लू, थोड़ी सी बिल्कुल ग्लू लेनी है आपने और वो ऐड करनी है। और ये देखें कलर्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो कलर्स हैं जो हमने सेट कर लिए हैं, जो कि अब दोबारा रीयूज़ होने के काबिल हैं, यूज़ कर सकते हैं आप इसे। ये देखिए, इस तरह के हो जाएंगे। ये देखिए, ग्लू हमने इसमें इस वजह से भी डाला क्योंकि ग्लू थोड़ी सी हमने ऐड इस वजह से की, थोड़ा सा थिक हमें एक टेक्सचर दे देती है और थोड़ा सा एक ग्लो आ जाता है इसके अंदर कलर्स में। ये दूसरा कलर दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। ये ब्रश से आप इसको हिलाएं, जब आप इसे धूप में रख लेंगे, धूप से आप तकरीबन 1-2 घंटे तक इसको आप धूप में रखा रहेंगे, उसके बाद किसी ब्रश से या किसी लकड़ी से लेके इसको खूब अच्छी तरीके से आपने घुमाना है, खूब अच्छी तरीके से सब मिक्स करना है ऐसे। ये देखें, इसको खूब अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे कि जितने भी जो उसके अंदर कोई भी सॉलिड्स अगर बना हुआ है, वो पोस्टर कलर्स जो कलर्स हैं उसके, तो वो फिर आप अच्छे से ज़रा मिक्स हो जाए। इस तरह आप इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से साफ कर ले किसी कपड़े से दूसरे कलर में यूज करने से पहले। और ये देखें, ये हम धूप में रखने के बाद, और इसको आप इस तरह करें, ये देखें, इसको अभी हमने और अच्छे से मिक्स करना है, ये थोड़ा थिक और होगा जी। ये देखें, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए, और आप अपने घर में जब आपके पोस्टर कलर्स अगर ड्राई हो रहे होंगे तो आप उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, और इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।